जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस वर्ष जन्माष्टमी 6 और 7 सितंबर दोनों ही दिवस को मनाई जाएगी, पर कौन से संप्रदाय के लोग किस दिन जन्माष्टमी मनाएंगे और शुभ मुहूर्त क्या है और 5 विशेष काम आपको जन्माष्टमी के दिन करने हैं, जिससे भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। और एक गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी है, यदि वह गलती आप कर लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण आपसे रुष्ट हो सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर से देखें और एक लाइक जरूर से करें। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी एक वार्षिक हिंदू त्योहार है, जो विष्णु भगवान के 10 अवतारों में से 8वें और 24 अवतारों में से 22वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म के आनंद उत्सव के लिए मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि को हुआ था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को जयंती या गोकुला अष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। मान्यता ऐसी है कि जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी का व्रत रखता है, उसको भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। अब कौन से संप्रदाय के लोग जन्माष्टमी कब मनाएंगे? तो ग्रस्त जीवन वालों के लिए जन्माष्टमी 6 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी और इसका व्रत रखा जाएगा 6 सितंबर को, जबकि वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले लोग कान्हा का जन्मोत्सव और व्रत 7 सितंबर 2023 को रखेंगे और जन्माष्टमी का त्योहार मनाएंगे। अब जन्माष्टमी के लिए अष्टमी तिथि का होना जरूरी है, तो अष्टमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है? तो 6 सितंबर 2023 को दोपहर को 3:37 से अष्टमी तिथि का आरंभ हो जाएगा और इस अष्टमी तिथि का समापन 7 सितंबर को शाम 4:14 तक अष्टमी तिथि रहेगी। रोहिणी नक्षत्र बहुत ही खास है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 6 सितंबर 2023 से सुबह 9:20 से रोहिणी नक्षत्र आ जाएगा और इसका समापन 7 सितंबर 2023 को सुबह 10:25 को हो जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 6 सितंबर 2023 को रात 11:57 से लेकर 7 सितंबर की मध्य रात्रि 12:42 तक है। इस शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव आप बहुत ही धूमधाम से मना सकते हैं। जन्माष्टमी के पूरे दिन आपको 5 विशेष कार्य करने हैं, जिससे आपको और आपके परिवार पर भगवान श्री कृष्ण के साथ ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। इसके लिए आपको भगवान श्री कृष्ण के मूल मंत्र क्रम कृष्णाय नमः का जप करना है। इससे अटके हुए धन की प्राप्ति हो जाती है, या फिर आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करने से मनुष्य को सफलता और वैभव की प्राप्ति होती है, या फिर आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह 16 शब्दों का वैष्णव मंत्र है, जो भगवान कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध मंत्र है। इस दिव्य मंत्र का उच्चारण करने से व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाता है। अब दूसरा महत्वपूर्ण काम आपको भगवान श्री कृष्ण की स्तुति के लिए मधुरा अष्टकम को पढ़ना है। और तीसरा महत्वपूर्ण कार्य आपको भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना है। और चौथा काम आपको हरिवंश पुराण का पाठ आपको करना है। पर हरिवंश पुराण आप जन्माष्टमी को पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसके लिए आपको केवल श्री कृष्ण की जो लीलाओं का वर्णन है केवल उनको ही पढ़ना है।
यदि आप कृष्ण मंत्र का जप नहीं कर पा रहे, गीता पाठ भी नहीं कर पा रहे, स्तुति भी नहीं कर सकते, हरिवंश पुराण का पाठ भी नहीं पढ़ सकते, तो केवल आपको कृष्ण नाम का जप करना है। केवल आपको कृष्ण 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 इस मंत्र जाप को ही आपको करना है, क्योंकि कृष्ण नाम ही अपने आप में मंत्र है। अब पांचवा काम, आपको यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो यह बहुत ही शुभ दिन है। आप इस दिन तुलसी के पौधे को घर लेकर आ सकते हैं और उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब आपको एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, इसका विशेष ध्यान रखना है। जब आप लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे तो उस भोग में आप तुलसी का दल जरूर से रखेंगे। तुलसी का एक दल या एक पत्ता भी आपको भोग में रखना है। यदि आपने 56 प्रकार का भोग भी लगाया है और आपने तुलसी का दल उस भोग में नहीं रखा है तो भगवान श्री कृष्ण आपके 56 भोग को स्वीकार नहीं करेंगे, किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वह तुलसी दल के बिना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसका विशेष ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।